HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है और घरों में सांप बिच्छू निकलना बहुत आम बात है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा मामला सामने आया है कि सुनकर आपकी भी रूह कांप जाए। यहाँ एक माँ बेटी सांप के बच्चे को गोभी की सब्जी में पकाकर खा गई। सांप के बच्चे से अनजान माँ बेटी को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खाना खाने के बाद उन पर क्या बीतने वाली है। माँ और बेटी दोनों को ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक इंदौर के खरजाना इलाके में रहने वाली 35 वर्षीय महिला अफजान शुक्रवार को खाना बनाने के लिए गोभी खरीद कर लाई थी। गोभी के अंदर सांप का जिंदा बच्चा छिपा हुआ था, जिस पर अफजान की नजर नहीं पड़ी। गोभी काटते समय अफजान ने सांप के बच्चे को भी काट दिया। सब्जी बनाने के बाद जब अफजान और उनकी 15 वर्षीय बेटी आमना खाना खा रही थी, तो उनकी नजर सांप के कटे हुए टुकड़ों पर पड़ी। सब्जी में सांप के कटे हुए टुकड़े देखकर दोनों को जैसे ही असलियत का अंदाजा हुआ, दोनों को उल्टियां होनी शुरू हो गईं। हालत बिगड़ने पर आस पड़ोस के लोग दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने जब जांच की तो दोनों के शरीर में जहर के अंश पाए गए। इसके बाद डॉक्टरों ने दोनों का इलाज शुरू कर दिया। अस्पताल में मां बेटी का इलाज कर रहे डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि दोनों को नहीं मालूम था कि वो सब्जी के साथ सांप के बच्चे को भी खा रही हैं। सांप का बच्चा गोभी में अंदर छिपा हुआ होगा, इसलिए उस पर नजर नहीं गई होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल माँ बेटी की हालत में सुधार है। दोनों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। माँ बेटी के कुछ अन्य टेस्ट भी किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के कारण सांप वगैरह अपने बिल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। खेतों में गोभी जैसी सब्जियों में सांप के बच्चों का छिपकर बैठना आम बात है। ऐसे मौसम में लोगों को खाना बनाने में विशेष एहतियात बरतनी चाहिए। गोभी वगैरह को ठीक से देखकर ही काटकर बनाना चाहिए।